Question number one. A worker who is studying the gross internal structure of plant organs after cutting section is working in the field of. तो इसका correct answer है option B. अगर plant organs की gross internal structure को study किया जाए sectioning के बाद तो इसको नाम देंगे anatomy का. Question number two. Who is called father of plant anatomy? N. Grew को father of plant anatomy कहा जाता है. Correct answer है option B. Question number three. The term meristem was given by. तो meristem की term सबसे पहले introduce करवाई थी Nagley ने. Correct answer है option A. Question number four. Apical meristems are. तो apical meristems एक तरह के primary meristem हैं. Correct answer है option A. Question number five. Interfascicular cambium in the stem is. तो interfascicular cambium example है secondary meristem की. Correct answer है option B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स. विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ऑप्शन ए देखें ओवल आर राउंडेड आर पॉलीगोनियल आर रेक्टेंगुलर एंड आइसोडायमेट्रिक. तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक मेन करेक्टरिस्टिक है. ऑप्शन सी देखें दे आर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो ये भी ट्रू है. नेक्स्ट देखें विद कंपैरेटिवली लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. तो ये ऑप्शन भी एक मेन करेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की. लेकिन ऑप्शन बी देखें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव थिक सेलुलोज वॉल्स. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसके अंदर सेलुलोज वॉल्स जो है वो थिक नहीं होती. क्वेश्चन नंबर सेवन. Intercalary meristem is responsible for increase in. तो intercalary meristem की वजह से plant की length increase होती है. Correct answer है option A. Question number eight. Intercalary meristem at the base of internode is found in. तो grasses के अंदर जो उनकी internode होती है उसकी base पे intercalary meristem present होता है. Correct answer है option A. Next question हमारे पास है फेलोजिन इज़. तो फेलोजिन क्या है एपिकल मेरिस्टेम में इंटरकैलरी मेरिस्टेम में या फिर लेटरल मेरिस्टेम में. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. फेलोजिन एक तरह का लेटरल मेरिस्टेम है. क्वेश्चन नंबर टेन. प्लास्टोकोरान इज़. तो प्लास्टोकोरान क्या है. प्लास्टोकोरान एक्चुअली एक तरह का गैप है बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइमोर्डिया. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. प्लास्टोकोरान इज़ अ टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइमोर्डिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास है हिस्टोजिन कंसेप्ट फॉर शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय. तो हिस्टोजिन कंसेप्ट फॉर शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था हैंस्टीन ने. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व. ट्यूनिका कॉर्पस कंसेप्ट ऑफ शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय. तो ट्यूनिका कंसेप्ट ऑफ शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था शीमिट ने. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डवियंस इन ट्यूनिका आर. तो ट्यूनिका के अंदर डवियंस की बात करें तो ये एंटी क्लाइनल होती हैं ऑनली. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर फोर्टीन. मेरिस्टेम डी एटेंटे कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय. तो मेरिस्टेम डी एटेंटे कंसेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था बोवर्ट ने. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास है वेटिंग मेरिस्टेम इन शूट एपिक्स डज नॉट इंक्लूड. तो वेटिंग मेरिस्टेम जो शूट एपिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें कौन सी चीज़ नहीं आती. ऑप्शन ए देखें मेरिस्टेम स्पोरोजीन मेरिस्टेम रिसेप्टा क्यूलरी. इसके बाद ऑप्शन सी देखें रिब्स मेरिस्टेम नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. रिब मेरिस्टेम इज नॉट कम्स अंडर वेटिंग मेरिस्टेम. क्वेश्चन नंबर 16. हिस्टोजिन पेरिबलम गिव्स राइज टू. तो पेरिबलम जो कि एक तरह का हिस्टोजिन है इससे कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. पेरिबलम गिव्स राइज टू कार्टिक्स इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस. क्वेश्चन नंबर 17. कार्पर कापे कंसेप्ट ऑफ रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय. तो कार्पर कापे कंसेप्ट जो कि रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग था ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था शुएप ने. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. शुएप इंट्रोड्यूस द कार्पर कापे कंसेप्ट इन 1870.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल विद आउट लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन फॉर मैकेनिकल फंक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो सेल वॉल की थिकनिंग विदाउट लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ये कौन से सेल्स की या कौन से टिश्यू की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलन काइमा टिश्यू हैव थिकनिंग ऑफ सेल वॉल विदआउट लिग्निफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवाइड ऑफ लिग्निन। तो वो कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर लिग्निन एब्सेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलन काइमा टिश्यू हैव नो लिग्निन एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑर्गन ग्रोथ इज सब एपिकल। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर ग्रोथ जो है वो सब एपिकल होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूट इज अ ऑर्गन विद सब एपिकल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ अ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो गिवन ऑप्शन में जो जाइलियम है ये एक तरह का कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जबकि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा ये सिंपल जो है वो परमानेंट टिश्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट कॉन्स्टिट्यूट। तो पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहलाते हैं क्लेरेन्काइमा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, द चीफ फंक्शन ऑफ कोलेन्काइमा इज़। तो कोलेन्काइमा टिश्यू जो है वो एक तरह के मैकेनिकल टिश्यू हैं, सपोर्टिंग टिश्यू हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, लिग्निफाइड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स विच आर यूजुअली नॉट मच लॉन्गर देन दे आर ब्रॉड। तो लिग्निफाइड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स पूछा गया है जो कि इतने ज़्यादा लॉन्गर नहीं होते, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्लेरिड्स आर द लिग्निफाइड एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25, हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो सीड कोट की जो हार्डनेस है वो स्टोन सेल्स की प्रेजेंस की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट हेल्प इन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की कलेक्शन जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको नाम देते हैं कम्प्लेक्स टिश्यू का, जबकि सिंपल टिश्यू सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है जो कि कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करता है। चूँकि यहाँ पे सेल्स की डिफरेंट टाइप्स का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम्प्लेक्स टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज लैक्स वेसल्स। ऑप्शन ए वेंटिरेसी, टेट्रा सेंटिरेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज वेंटिरेसी, टेट्रा सेंटिरेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिलीज हैव नो वेसल्स इन दियर जाइलियम सेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलोस इज़ फाउंड इन। तो कैलोस एक तरह का प्लांट पॉलीसेक्राइड है जो कि पोलन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये प्रेजेंट है इन ओल्ड सीव ट्यूब्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट। तो ड्रोसिरा एक कार्निवोरस प्लांट है और इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑयल ग्लैंड्स इन यूकेलिप्टस आर। तो यूकेलिप्टस के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो लाइसीजिनस टाइप हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, ब्यूलीफॉर्म सेल्स आर बबल लाइक सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो ब्यूलीफॉर्म सेल्स या बबल लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं पुआ एंड एमोफाइला दोनों के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ पुआ एंड माइलोफिला एमोफाइला हैव ब्यूलीफॉर्म सेल्स। क्वेश्चन नंबर 32, इन डाइकार्टिलेडनस लीव्स स्टोमेटा आर। तो डाइकार्टिलेडनस लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, स्टोमा सराउंडेड बाई पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स विच आर एट राइट एंगल्स टू द गार्ड सेल्स इज कॉल्ड।
तो ऐसे स्टोमा जिनके अराउंड जो है वो सब्सिडरी सेल्स जो है वो प्रेजेंट हों और गार्ड सेल्स की राइट एंगल्स पे वो प्रेजेंट हों, तो इस तरह के स्टोमा को नाम देते हैं डायासाइटिक स्टोमा का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, सिक्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मस इज प्रेजेंट इन डाइकार्ड स्टेम मोनोकार्ड स्टेम बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मस इज प्रेजेंट इन मोनोकार्ड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ कॉमनली नॉन एज स्टार्च शीथ, तो एंडोडर्मस को जो है वो स्टार्च शीथ का नाम दिया जाता है कॉमनली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, कस्पेरियन बैंड्स आर स्ट्रिप्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो कस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस इज कांस्टेंट फीचर्स ऑफ, तो रूट्स के अंदर जो है वो एक वाजे डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो लेटरल रूट्स हैं वो पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होती हैं अराइज होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, सिक्लेरन काइमेटस एंड मैनी लेयर्ड पेरिसाइकल इज फाउंड इन, तो सिक्लेरन काइमेटस और मैनी लेयर्ड मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल जो है वो सिमलेक्स रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, हेट्रोजीनियस पेरिसाइकल इज फाउंड इन, तो हेट्रोजीनियस पेरिसाइकल सनफ्लावर स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, पैसेज सेल्स आर फीचर्स ऑफ, तो पैसेज सेल्स को ट्रांसफ्यूजन सेल्स भी कहा जाता है और ये लो रेजिस्टेंस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर वाटर मूवमेंट और ये प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, सेंट्रीफ्यूगल जाइलियम इज आ फीचर ऑफ, तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलियम जो है वो किसका फीचर है, रूट का स्टेम का बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास होगा ऑप्शन ए के इसके अंदर जो रूट है बी स्टेम के अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, रूट्स पोजेसेस विच टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स, तो रूट्स के अंदर रेडियल वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि कोलेटरल और कंजॉइंट वस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन, तो बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स जो है वो कुकरबिटेसी सोलानेसी और मायरल्टेसी तीनों फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज हैव बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 45, लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, तो लेप्टोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल ड्रैकाइना और योका दोनों प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 46, विलामिन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो विलामिन एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू है जो कि ऑर्चिड्स की एरियल रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, इन डाइकार्ट रूट, तो डाइकार्ट रूट के अंदर अगर जाइलियम की कंडीशन देखें तो ये या तो डाइआर्च कंडीशन में होगा या फिर हेक्सार्च कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन, तो कंजक्टिव टिश्यू एक तरह का ऐसा टिश्यू है जो कि जाइलियम और फ्लोएम की स्ट्रैंड्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, हेट्रोआर्ची इन रूट्स इज फाउंड इन, तो रूट्स के अंदर जो हेट्रोआर्ची कंडीशन है वो निम्फिया की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ नॉट कैरेक्टर ऑफ स्टेम, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा स्टेम का कैरेक्टर नहीं है, ऑप्शन ए देखें दे आर कंजॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन बी
इन डार्च कंडीशन इज़ प्रेजेंट, यूजुअली क्लेरेनकाइमा इज़ प्रेजेंट, ऑप्शन डी देखें, हेयर्स आर यूनिसेलुलर। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो स्टेम की करेक्टर नहीं है, क्योंकि स्टेम के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन, तो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम के अंदर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, बंडल शीथ इज प्रेजेंट अराउंड द वस्कुलर बंडल्स इन, तो बंडल शीथ जो है वो वस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है किस तरह के स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोनोकॉट स्टेम है बंडल शीथ प्रेजेंट अराउंड दियर वस्कुलर बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 53, शाइजोलाइसिजीनियस कैविटी इज प्रेजेंट इन, तो शाइजोलाइसिजीनियस कैविटी मेज स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, डार्सी वेंट्रल लीव्स आर प्रेजेंट इन, तो डार्सी वेंट्रल लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट्स के अंदर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, मीजोफेल इज अनडिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा इन केस ऑफ, तो आइसो बायलेट्रियल लीफ जो होते हैं उनके अंदर जो मीजोफेल है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है पैलिसाइड और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, आइसो बायलेट्रियल लीव्स आर, तो आइसो बायलेट्रियल लीव्स एक तरह के एम्फीस्टोमिक लीव्स हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, वस्कुलर कैम्बियम कट्स, तो वस्कुलर कैम्बियम की अगर बात करें तो ये कट लगाती है ऑन सेकेंडरी जाइलम ऑन इनर साइड एंड इट आल्सो कट्स द सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी है।